लगभग मैं हीना सारी सीनियर सारी जूनियर सबको मिलकर मुझ से जा रहे हैं फैकल्टी को, क्योंकि कल वसंत उत्सव है तो बड़ा मजा आ रहा है। ये छुट्टियाँ ये पूरा फूल का माला लेके घूम रही हैं भैया, बहुत मेहनत करते हुए। मयंक भैया, मयंक को ये कह रही है क्या नाम है भैया? साड़ी कोई भी नहीं। कौन भैया? भैया कमल भैया, कमल भैया गेंदा का फूल लगाते हुए। सो ब्यूटीफुल, ऐसे वहां से जाया था वो येलो वाले गेंदे। और बैक स्टेज कुछ इस तरीके का है, काफी सही चल रहा है काम। ओके सो अभी मैं 8 बज रहे हैं, अभी मैं फैकल्टी पहुंच गई हूँ। आज वसंत उत्सव है और अभी हम लोग क्लास में जाएंगे, रिहर्सल करेंगे, लास्ट रिहर्सल होगा और उसके बाद सीधा परफॉर्मेंस होगा वाइस चांसलर्स ऑफिस में। यहाँ पे फैकल्टी में भी पूजा है और परफॉर्मेंसेज हैं, तो पहले हमारा, क्योंकि हम सर ने हमें बोला है कि वहाँ पर परफॉर्मेंस है, तो वी कॉयर 6 स्टूडेंट्स का जो कॉयर है वो वहाँ जाएगा, वहाँ भी परफॉर्मेंस होगी। और फिर जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो फंक्शंस होंगी तो वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो पहले चलते हैं, देखते हैं। अभी मैं थोड़ा सा लेट हूँ, आइए चलते हैं फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट। बहुत सुबह सुबह सर ने बुला लिया था, विच इज़ गॉड। यहाँ पे पूरा डेकोरेट हो रखा है फैकल्टी। और अभी यहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए हैं, तो अभी हम लोग सबसे पहले वाइस चांसलर्स ऑफिस जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस है, क्योंकि वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग भी होने वाली है। और फिर हम वहाँ से फिर यहाँ पे लौटेंगे, तो उसके बाद यहाँ का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप सरस्वती माँ के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे आशीर्वाद लेके DC ऑफिस। सो सरस्वती। और ये है स्टेज जहाँ पे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं। यहाँ पे इधर प्रोफेसर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, और ये स्टेज होगा जिस पे सबसे बड़ा स्टेज है हमारे फैकल्टी का, यहीं पे परफॉर्मेंस होंगी। बहुत प्यारा लग रहा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एक्सपीरियंस करूँगी, फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस करने वाली हूँ वसंत उत्सव। बहुत अच्छा लग रहा है। एक साल तो हमारा ऑनलाइन मोड में ही चला गया, तो हमने ऑनलाइन में देखा था, इस बार देखते हैं ऑफलाइन में, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये हमारे कोर टीम, अभी लड़कियाँ नहीं आई हैं, ये हमारे सर हैं जो हमें असिस्ट कर रहे हैं, हमारे प्रोफेसर आशिक सर। और बहुत अच्छा लगने वाला, अभी हम लोग जाएंगे सबसे पहले VC ऑफिस, है ना। PVC ऑफिस जाने के बाद फिर हम लोग वापस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में भी परफॉर्मेंस है, तो हम लोग वो देखेंगे। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगी, सो इट इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट वसंत उत्सव एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस डे। सो लेट्स होप फॉर टुडे इज परफॉर्मेंस बेस्ट। और चलते हैं, रिहर्सल होने वाली है। तो अभी हम सब VC ऑफिस पहुंच गए हैं, आ जाइए आप लोग। हाँ दिख रही हैं आप लोग। और यहाँ पे NCC वाले की प्रैक्टिस चल रही है फ्लैग होस्टिंग के पहले। जैसे हम लोगों की रिहर्सल चल रही थी, वैसे इन लोगों की भी फ्लैग होस्टिंग के पहले ये लोग रिहर्स कर रहे हैं। फिर यहाँ VC सर ने फ्लैग होस्ट किया, उसके बाद हमारा नेशनल एंथम हुआ, फिर कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हुए। और हम शताब्दी वर्ष में हैं, इसके लिए भी बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं।
हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ और भारत में ये लोकतंत्र की स्थापना हुई संविधान के द्वारा। कह सकते हैं कि आधुनिक रूप में एक लोकतंत्र की स्थापना हुई। ऐसा नहीं है कि ये लोकतंत्र भारत में पहली बार आया, लेकिन इस संविधान के द्वारा आधुनिक भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो फाइनली यहाँ का प्रोग्राम खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं अपनी फैकल्टी। बहुत अच्छा रहा और अब यूनिवर्सिटी से हम लोग बाहर चल रहे हैं। And the Indian flag, oh my god, it's so beautiful. I just fall in love with this tricolor. I love my India. पूरा खत्म होते हुए आ गई। कोई नहीं बोला यार, बोलना चाहिए था ना, सरस्वती माता की जय। बोल दिया सरस्वती माता की जय। यस बन गया, ये बन गया। दिखाओ सामने से। दीदी Let's go.
कल्याण नमस्कृता। तो प्रोग्राम खत्म हो चुका है। कितनी प्यारी लग रही है। हम लोग ना अपना भोजन पान कर रहे हैं। भोजन पान। शालिनी ओ शालिनी ओ सिम्मी। काफी मैं अकेले साड़ी पहन के आई हूँ। रियली वेरी टफ बट आई डिड इट। मैंने भी पहना था सुबह में साड़ी पहना। मैं तैयार होके आई बजे सुबह उठ के पहनी हूँ। और मैं परफॉर्मेंस कर मेरा था मैं वहाँ आई। सो इट वाज आल्सो टफ फॉर मी। इसको हेल्प मिल जाती है। सारा प्रोग्राम वगैरह सब खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा खा पी रहे हैं। उसके बाद चल के देखते हैं।